पिछले दिनों इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के अंदर एक वारदात हुई, जिसके अंदर कुछ लोग, कुछ डकैत जो थे, वो किसी को लूट रहे थे। तो पास से गुजरते हुए एक हेड कांस्टेबल साहब, जो कि अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, अपना मुंबई यंग सा बच्चा था 17-18 साल का, और उनकी वाइफ थी उनके साथ, उन्होंने बीच में कूद के उनको बचाने की कोशिश की। ये एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी थी, और इसी तरीके से एक जैसे शहरी का हक होता है कि वो जब किसी को मुसीबत में देखे तो उसके साथ खड़ा हो। और उसपे मुस्तदाद ये था कि ये बहरहाल एक पुलिस के साथ ताल्लुक भी रखते थे। तो इन्होंने जब उनको बचाने की कोशिश की तो डकैतों ने ना सिर्फ ये कि उनको लूटा, बल्कि डकैतों ने इन हेड कांस्टेबल साहब को गोली मार के शहीद कर दिया, और साथ ही साथ उनके जो यंग बच्चा था उनके साथ, उसको भी शहीद कर दिया। उनकी वाइफ बेचारी उधर ही खड़ी रही, चीखती चलाती रही, और किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये पहला वाकया नहीं था इस्लामाबाद के अंदर। इसी तरह पिछले एक से डेढ़ महीने के अंदर पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले खबर आई कि अफगान एक शहरी जो है, उनको भी इसी तरह की एक मगिंग के अंदर, एक डकैती की वारदात के अंदर राह चलते हुए उनको मार दिया गया, उनके जो इमलाक है, जो मौजूद थी, उसको लूट के लोग चले गए। इससे पहले भी G13 के अंदर, G11 के अंदर, फिर उसके अलावा G10 के अंदर कुछ इस तरह के वाकया सुनने को और देखने को मिले। आगे हो क्या रहा है, इसके ऊपर जो आज डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक क्राइम रेट या स्ट्रीट क्राइम की बात होती है, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर कुछ हद तक होती है, लेकिन इस्लामाबाद वो एक बड़ा पुरअमन और महफूज शहर समझा जाता था, मॉडल सिटी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसको पेश किया जाता है। और इस्लामाबाद के अंदर एक राइज देखने को मिल रहा है क्राइम्स का। एक जो सरकारी यानी जो पुलिस का जो क्लेम है वो ये है कि देखिए पिछले साल के मुकाबले में, 2022 के मुकाबले में 2023 में 11% कमी हुई है क्राइम रेट में। लेकिन अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स उठाकर देखें जिन्होंने सर्वे किए हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 40% इजाफा हुआ है इस्लामाबाद के क्राइम रेट के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर हम इस्लामाबाद को कंपेयर करें बाकी सिटीज के साथ, जैसे कि कराची है, जैसे कि लाहौर है, तो लाहौर की अगर एग्जाम्पल ले ली जाए तो लाहौर की इस वक्त की आबादी जो है वो तकरीबन 1,30,00,000 के करीब है। इस्लामाबाद की आबादी जो सरकारी है यानी अर्बन सेटिंग के अंदर जो मौजूद है, तकरीबन 12 से 13 या 14 लाख लोग हैं, और अगर आप रूरल एरिया या रूरल सेटिंग्स को भी मिला लें तो तकरीबन 18 से 22 लाख के दरमियान लोग बनते हैं, जो कि कुछ इंडिपेंडेंट जो सर्वे है उनके मुताबिक। अब आप इसको कंपेयर करें लाहौर की आबादी के साथ, और लाहौर में जो इस वक्त क्राइम रेट है 2023 का जो इस वक्त फिगर आता है वो है तकरीबन 37%, यानी 37% क्राइम रेट इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है ओवरऑल क्राइम के रूल्स में, कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। इस्लामाबाद में फिगर 27% के करीब मौजूद है, और 27% अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, अगर इस्लामाबाद की फैसिलिटीज के लिहाज से देखा जाए, इस्लामाबाद के सेटअप के लिहाज से देखा जाए, तो बहुत बड़ा फिगर है। इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है पुलिसिंग का। एक पुलिस मैन जो है वो शहीद हुए, तो मेरा इसके ऊपर एक फोकस किया कि ये इस पे पुलिस का क्या मामला है। जो पाकिस्तान के जो शहर है सबसे मॉडल सिटी जिसको कहा जाता है इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल है हमारा, सारे फॉरनर्स यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं, यहाँ पे मेजर टूरिज्म का ये हब है बेसिकली, चूंकि नॉर्थ की तरफ जितने भी लोग जाते हैं, चाहे वो फॉरनर्स हो चाहे वो डोमेस्टिक टूरिज्म के लोग हो, वो इस्लामाबाद को एक ट्रांजिट सिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उस सिटी के अंदर इस किस्म की वारदात का होना या इस किस्म की वारदातों का होना, क्राइम रेट का बढ़ना, स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना, ये एक अलार्मिंग फैक्टर है। तो इसमें पुलिसिंग जो है, जो पुलिस फोर्स है वो हमारी काम खड़ी हुई है। तो उसके मुताबिक जो हमें पता चला वो ये था कि पहले तो मैं आपके सामने कुछ क्राइम फिगर्स रख देता हूँ। क्राइम फिगर्स क्या है कि 1292 बाइक्स जो है वो चोरी हुई है 2023 के अंदर, जिसमें से 432 जो है वो कारें चोरी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। और ये तकरीबन 432 कारों की जो मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन एक महीने का आपको मैं डाटा दे रहा हूँ। उसी तरीके से लास्ट ईयर के मुकाबले में 762 बाइक्स चोरी हुए थे और 280 कार रॉबरीज हुई थी 2022 के अंदर। लेकिन इस साल आप देखेंगे कितना बड़ा क्राइम रेट के अंदर जंप आया है कि 1292 आपको बाइक्स चोरी हुई मिलती है और तकरीबन 432 जो है वो आपको कार चोरी हुई मिलती है। अच्छा, पुलिसिंग का खड़ी हुई हमारी पुलिस जो है इसमें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 125 यूसीज है। एक यूसी जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की होती है, यानी तकरीबन 2 सेक्टर्स को ये कवर करती है। अर्बन सेटिंग की अगर बात करें
तो इसके अंदर तकरीबन 15 से 18 हजार लोग जो है वो रहते होंगे। ये मैं आपको सरकारी बात बता रहा हूँ, शायद ज्यादा लोग रहते हो। इसी तरह रूरल सेटिंग के अंदर आप चले जाएं तो तकरीबन 30 से 35 हजार लोग रहते होंगे। ये भी अगेन सरकारी फिगर है, लेकिन आप इससे ज्यादा भी लेके जा सकते हैं, जो कि चूंकि सेंसस हमारा उस पर प्रॉपर नहीं हुआ है तो आप इसके अंदर एक एरिया रख सकते हैं। 125 यूसीज के लिए इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 32 पुलिस स्टेशन है। उन 32 पुलिस स्टेशन के अंदर तकरीबन 12,500 के करीब पुलिसमैन या पुलिस पूरी फोर्स जो एम्प्लॉयड है। जब हम पूरी फोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ वो लोग जो फील्ड के अंदर होते हैं, जो कि बाहर ड्यूटी दे रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, क्राइम्स को देख रहे होते हैं, सिर्फ वो नहीं होते बल्कि डेस्क जॉब पे भी जो लोग होते हैं, जो पीछे लोग होते हैं, ये तमाम लोगों को मिला के 12,500 की टोटल आपकी पुलिस फोर्स है फेडरल कैपिटल के लिए। सबसे ज्यादा जो हायरिंग हुई वो 2022 के आखिर में, 2023 के शुरू में थोड़े से, यानी आप कह रहे हैं 1668 लोग इन्होंने हायर किए। ये अभी तक की पिछले तकरीबन 15-20 सालों की सबसे बड़ी हायरिंग आप इसको कर मान सकते हैं। उसके अलावा हल्की फुल्की हायरिंग ये लोग करते रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। बड़ा मेजर फैक्टर इसके अंदर बजट का है, यानी बजट एलोकेशन जो है, फैसिलिटीज जो है पुलिस को वो उस तरह नहीं दी गई जिस तरह उनको देनी चाहिए थी। जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह अर्बनाइजेशन हो रही है इस्लामाबाद की, उस हिसाब से पुलिस को इस पर बात नहीं की जाती। अगर आप ट्रैफिक पुलिस का हाल देखें तो ट्रैफिक पुलिस जो है जब 2001 के अंदर इसका इजरा किया गया था इस्लामाबाद के अंदर, जो बाकायदा ट्रैफिक पुलिस इसके अंदर इंस्टॉल की गई थी, पुरानी ट्रैफिक पुलिस इसको रिवैम्प करके नेशनल हाईवे पुलिस के तौर तर्ज के ऊपर यहाँ पे पुलिस लाई गई थी, तो उस वक्त तकरीबन इसके अंदर 500 लोग हायर हुए थे। अभी उसी पुलिस फोर्स के अंदर 20 साल के बाद टोटल 650 लोग हैं, यानी 150 लोग सिर्फ हायर किए गए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के, ट्रैफिक मामला को कंट्रोल करने के। इसी से अंदाजा कर लीजिए कि प्रायोरिटीज हमारी क्या है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसी अगर आप 12,500 की जो फोर्स है हमारी और जो 600-650 मैंने ट्रैफिक पुलिस की फोर्स बताई है, उसमें से 12,500 में से तकरीबन 20% के करीब लोग VIP प्रोटोकॉल्स के साथ हर वक्त ड्यूटीज के ऊपर होते हैं पूरा पूरा दिन। वो किसी मिनिस्टर के साथ किसी डिटेल के ऊपर होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने जब गुजरना होगा, किसी जज ने गुजरना होगा, किसी मिलिट्री ऑफिसर ने गुजरना होगा, तो उनकी वहां पे ड्यूटीज होती हैं। और पूरे शहर को छोड़ के 20% फोर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत छोटी है, उस के ऊपर मामूल होती है। यही हाल ट्रैफिक पुलिस का भी है। मेरे साथ एक ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल थे, वो बैठे पिछले दिनों एक गाड़ी के अंदर और मैंने उनको लिफ्ट दी, तो मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी E11 के अंदर है, लेकिन आज मेरी ड्यूटी जब F10 में है क्योंकि वहां से जलसा जुलूस गुजरना है। तो मैंने कहा फिर E11 का क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी कि E11 आज खाली पड़ा रहेगा। फिर उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे फिगर दी कि 2001 में उनकी फोर्स की क्या तादाद थी और अभी उनकी फोर्स की तादाद क्या, और अब पूरे इस्लामाबाद में सब हुजम देखें कि वो कितना बड़ा है, उसमें से कितने लोग VIP ड्यूटीज के ऊपर चले जाते हैं, तो बाकी ट्रैफिक इस वक्त इस्लामाबाद की आपके सामने बेहंगम ट्रैफिक होती जा रही है। ट्रैफिक रूल्स का कोई सख्त मामला मौजूद नहीं है। श्रीनगर हाईवे हो जाए, सबसे हैपनिंग इस वक्त हमारी रोड है, सबसे ज्यादा इस वक्त डेथ रेट्स या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के रेट्स भी वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस्लामाबाद जो किसी जमाने में एक मिसाली शहर के तौर पर नजर आता था, चाहे वो ट्रैफिक के मामला हो, चाहे वो रूल्स के मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हो, उसके अंदर ये डिटेरियरेशन देखने को मिल रही है। तारीख में यही हाल हमने कराची के साथ किया। कराची किसी जमाने में इसी तरीके से बड़ा पुरामन शहर था, लेकिन जैसे जैसे उसकी अर्बनाइजेशन हुई तो प्लानिंग के अंदर पुलिस फोर्स को जब निगलेक्ट किया गया, उसके अंदर सियासी भर्तियां की गई सिर्फ भरने के लिए कि हमारे पास पुलिस फोर्स के नाम के ऊपर कोई चीज मौजूद हो जिसको हम कल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, इंटिमिडेशन में भी इस्तेमाल कर सकें, तो आहिस्ता आहिस्ता उस शहर का हम सबके सामने है। मुझे याद है 2011 के अंदर जब कराची के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा अरूज के ऊपर, स्पेशली टारगेट किलिंग का और क्राइम रेट्स का बहुत ज्यादा मामला था, तो एक दिन में जो रिपोर्टेड किलिंग्स थी, रिपोर्टेड वो 150 के करीब थी, जिसको हमने खुद अखबार में पढ़ा, अनरिपोर्टेड उसके अंदर न जाने कितनी होगी। ये भी जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये रिपोर्टेड फिगर्स है, अनरिपोर्टेड इसके अलावा कितने ही क्राइम्स होंगे जिनको अंडर द रग हम लोग डाल देते हैं। तो बात जो इसके अंदर आज मैं करना चाह रहा था ये था कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस के अंदर बहुत बड़ा मंशूर होगा हर सियासी जमात का कि हमें गवर्नेंस के ऊपर बात करनी है, हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बात करनी है, हमें सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी है। लेकिन सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा जो फोर्स होता है, जो कि आपका फ्रंट लाइन डिफेंस होता है, जो कि सिविलियंस का फ्रंट लाइन डिफेंस होता है, वो पुलिस फोर्स होती है। और अनफॉर्चुनेटली उसी पुलिस फोर्स को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है।
अगर पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल जिसको मिसाली शहर कहा जाता है उसके अंदर पुलिस फोर्स का ये हाल है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, उसके पास अभी बल्कि बात हो रही थी मैं किसी से बात करता कि सेफ सिटी का इस वक्त क्या मामला है इस्लामाबाद के अंदर। लाहौर के अंदर एक मिसाली सेफ सिटी है, इसी वजह से शायद वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो ऐसे ऐसा कंट्रोल में आ रहा है। उसका एक सेफ सिटी का पूरा सेंटर है जिसको आप जाके देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरे शहर को अपने ऐसे ऐसा अपने काबू में कर लिया। इस्लामाबाद के अंदर भी एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, उसका पुरसाने में एक अलग वीडियो हम करेंगे कि उसकी पूरी एक मामला है कि उसमें करप्शन क्या हुई, किस तरीके से उसको अबैंडन कर दिया गया। HLM में मेरा ख्याल उसका एक ऑफिस है जो कि पुलिस की एक विंग जो है वो चलाती है, रोमेल नाम के कोई साहब है जो कि उसके DG है, और उसकी वजह से ये हालात है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको बिग आउट करना हो किसी क्राइम को तो आपको ठीक ठाक जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो प्राइवेट होते हैं उनकी तरफ आपको जाना पड़ता है बजाय सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके मामले को सामने रख के। तो ये हमारे इस वक्त हालात हैं मिसाली कैपिटल के, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि फॉरनर रहे, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि इसको ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए टूरिज्म के लिए या फिर इसको बिजनेस के लिए। तो ये तमाम मामला सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पुलिसिंग के ऊपर जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुलिसिंग के ऊपर जो है वो हमारा फोकस नहीं होता। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मसले के साथ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस का मामला आ रहा है तो पार्टियों के मंशूर के अंदर इस बात को जरूर गौर से देखें कि उन्होंने गवर्नेंस के अंदर किसी सब हेडिंग के अंदर क्या पुलिसिंग फैक्टर को प्रॉपर एड्रेस किया है या नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।